हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को पैरों पर खड़ा कर छोड़ा है और सबको तालों में बंद होने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों की बार बार अवहेलना करने वालों की भी कमी नहीं है। मॉडिफाइड लॉकडाउन चल रहा है, मॉडिफाइड लॉकडाउन में सब क्या शक्ति चल रही है और क्या कारण चल रही है? क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया और मॉडिफाइड लॉकडाउन भी हो गया तो काफ़ी लोग आते हैं, वो लोग डॉक्टर की पर्चियाँ बताते हैं, कोई बात नहीं बीमार पड़ सकता आदमी, लेकिन मेरा ये सबसे निवेदन है कि आप घर से बाहर आवें तो जो युक्तियुक्त कारण हो आपके पास, और चाहे बीमार आदमी भी है अगर मोटरसाइकिल पर आता है तो हेलमेट लगा के आवें, अन्यथा हम गाड़ी जब्त करेंगे, है ना। छोटी छोटी बीमारी के लिए आते हैं लोग, छोटी पर्ची ले लेते हैं, कोई बात नहीं खांसी जुकाम होते रहते हैं, तो आप आएँ बिल्कुल हेलमेट लगा के आवें, प्रॉपर मास्क पहन के आवें और अपने गाड़ियों के कागजात भी पूरे रखें और गाड़ी के जो नॉर्म्स बने हुए, एक पेशेंट, एक उसका अटेंडेंट और एक ड्राइवर, इसके अलावा कोई शहर में जो भी घूमता दिखे उनकी गाड़ी जब्त करेंगे। बिना काम के सड़क पर घूमने वाले लोगों को बाड़मेर पुलिस अब बख्शने के मूड में नहीं है। बाड़मेर पुलिस ने गुरुवार की सुबह से ही लगातार बाड़मेर के मुख्य बाजार में बढ़ रही भीड़ के मद्देनजर अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर बैरिकेड लगाए हैं और सड़कों पर घूम रहे दुपहिया वाहनों के साथ कार चालकों को भी रोक कर उनसे पूछताछ की और जो बेवजह शहर में घूम रहा था उनके विरुद्ध MB एक्ट की कार्रवाई के साथ साथ शांति भंग करने के आरोप के साथ कार्रवाई की गई। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने अहिंसा सर्कल पर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत की। मॉडिफाइड लॉकडाउन के नाम से कुछ लोग ज्यादा बाहर निकलने लगे हैं और कुछ बिना काम के निकल रहे हैं, तो जिसके लिए आज हमने सख्ती की है और जो भी मेडिकल आधार के अलावा जो बाहर घूमेगा इधर उधर उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या क्या व्यापार खुला है, क्या सड़कों बंद है, व्यापार तो सारा जो पहले खुला था वही है, सब्जी है, किराना है, कन्फेक्शनरी है और पंचर की दुकान है, इसके अलावा और कुछ खुला नहीं है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।